यहाँ पे मैंने एक व्हाइट कलर का टैटू बनाया है। ये टैटू कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो अभी हैदराबाद के मरीन ड्राइव के बाद क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है यार कहाँ जाना है पता नहीं, बस जाना है निकलना है? हमारे साथ बहुत हो रहा है। क्यों पता है क्या? क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है, समय बहुत, समझ में नहीं आता कभी कभी कहाँ जाना है। बट अपन देखते हैं कि अपन क्या कवर कर सकते हैं। वैसे आप अगर हैदराबाद में आते हो तो आप बहुत चीप में यहाँ पे खा सकते हो, चीप में घूम सकते हो। सिर्फ रहने का जुगाड़ आपको करना चाहिए क्योंकि आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब मजे में हो, मतलब क्लास। तो शायद आज बस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जहाँ पे हम रुके हुए हैं हमारे फ्रेंड के फ्लैट में, उसके आसपास में काफी जगह है जहाँ पे हम घूम सकते हैं। बट कैसा है पता है क्या, आई वाज थिंकिंग, मैं इसको बोल रहा था अभी एलिश को कि यार ऐसा कुछ होना था पोर्टेबल चीज जो हम कैरी कर सकते हैं, एटलीस्ट जेब में रख सकते हैं और उसको खोले की फिर वो अपन वी कैन ट्रैवल बाय दैट। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बट एक बात बोलना चाहता हूँ, आपको पता है कि आप ज्यादा चलने से क्या होता है? अभी जितना हम चल रहे हैं हैदराबाद में, ज्यादा चलने से सिर्फ एक बात होता है, वो है पैर दुखता है भयंकर, लुब्रिकेंट खत्म हो जाता है पैर का और पैर दुखता है खतरनाक। बट अच्छा मेरे को थोड़ी आदत है चलने की क्योंकि मैं हिचकिंग ये सब चीजें करता हूँ। बट एलिश भी बेचारा मेरे साथ चल रहा है, घूम रहा है। और एलिश पहले भी बोल रहा था मुझे जब मैं ब्लॉग्स बना रहा था, अरे दादा मैं भी आता ना एक बार घूमने, मैं भी आता ना एक बार घूमने। बोला आएगा दिन, आएगा दिन, आएगा दिन। और दिन आ गया कि हम साथ में अभी काफी दिनों से घूम रहे और हैदराबाद एक्सप्लोर कर रहे हैं। मजा आ रही है क्या एलिश? टू मच फन, टू मच फन, राइट, टू मच फन। दोस्त के साथ घूमना बोले तो भाई एक अलग ही लेवल की मजा है। अकेला तो घूमता ही हूँ बट एलिश होने की वजह से मेरे को बहुत सपोर्ट मिल रहा है हर चीज में, कैमरे पकड़ने में या फिर कहीं जाना है उसमें। मैं कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा हूँ, क्या करना है क्या नहीं, जो भी प्लानिंग हो रही है सब उसकी वजह से हो रही है। तो पहले हैदराबाद और हैदराबाद के आसपास की जगह भी आंध्र प्रदेश में आते थे बट आई थिंक 2014 में आंध्र प्रदेश को डिवाइड कर दिया है। डिवाइड में आधा बन गया है तेलंगाना स्टेट और आधा आंध्र प्रदेश, इसलिए यहाँ पे जो गाड़ियाँ है टीएस दिख रहा है, मतलब तेलंगाना स्टेट। जैसा अपना एमएच रहता है ना महाराष्ट्र का, वैसा। और एपी बोले तो आंध्र प्रदेश। ओके दूर है यहाँ से, चलेगा, जा सकते ना बट ऐसा पैदल। हाँ जा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एरिया के बाहर निकल गए और ऐसे कुछ फ्लैट सिस्टम से यहाँ पे। अभी हमें हाईवे पे जाना है, वो रोड पे, और रोड से कहाँ बोले राइट लेके, हाँ ओके ओके। और ये जो धूप है ना भाई लोग, ये अलग ही लेवल की सन बात है भाई, मतलब पूरा डिहाइड्रेट कर देती है। आगे अपन लेक के पास, वहाँ पे लिखा है लव हैदराबाद, जैसा आपने इधर लिखा है ना लव वर्धा, लव नागपुर, लव यवतमाल। पर कैसे हमारे को प्रॉपर पता नहीं क्या एड्रेस है, हम लोकेशन लगा के घूम रहे इधर उधर। मैं प्रॉपरली बता नहीं पा रहा हूँ आपको कि हम इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मैं आपको लेके जाने की पूरे से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। So we are in front of लव हैदराबाद। जो भी सिटी में मैं जाता हूँ कोशिश करता हूँ लव के साथ उनकी सिटी का नाम शूट करने का, और फाइनली हैदराबाद का भी मिल गया हमें। तो बहुत अच्छा स्पॉट है गाइस, यहाँ पे बोटिंग के लिए, पानी, क्रिकेट खेल रहे बच्चे, इस तरफ में गार्डन भी है। पता है मैं अभी कैमरे में जब देख रहा था ना अपने वीडियोस कैसे बन रही, तो मैंने एक चीज नोट किया और आपने भी अभी तक किया होगा, यहाँ पे मैंने एक व्हाइट कलर का टैटू बनाया है। ये टैटू कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और अभी दिखा मुझे अच्छा हो गया, सोच रहा मैं टैटू निकलने का बट अभी फिलहाल के लिए आज के व्लॉग के लिए टैटू ऐसे रहने की क्योंकि अपनी स्टाइल है, मैं झुकेगा नहीं साला। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाइस। ओ देखो अपना फ्लैग कितना सही दिख रहा है ना क्लास। और ऐसा कुछ व्यू है यार इसके आसपास का, बहुत सही ठंडा। और यहाँ पे भाई बैठा है अपना फुल, मतलब यहाँ पे बैठ के जो नज़ारा मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है। सिर्फ मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि कचरा है ना यार, बस, बाकी कुछ नहीं। इसके जो हकदार है अपन लोग ही है। तो अभी हैदराबाद के मरीन ड्राइव के बाद हम जा रहे हैं स्नो वर्ल्ड की तरफ। अभी देखते हैं स्नो वर्ल्ड में जाने मिलता है या नहीं क्योंकि टाइम तो बहुत हो चुका है, हम शायद जा भी नहीं पाए, मतलब अंदर उधर तक तो जाएंगे क्योंकि आप लोगों के लिए फेयर अपने को वहाँ से मालूम करना है। अगर आप हैदराबाद में आते हैं तो आपको पता रहना चाहिए कितने चार्जेस पड़ता है। पूरी वाट लग गई भाई, चल चल के। सर टिकट कितना अंदर? 550। कितने देर के लिए? 1 घंटा। टिकट कितना? 550 है टिकट 1 घंटे के लिए। सो ज़रूरत तो महसूस नहीं हो रही 1 घंटे के लिए 500 रुपये देने की, बट मुझे आना था आप लोगों के लिए, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। फिलहाल 2022 में इसकी जो अंदर की टिकट है स्नो वर्ल्ड की, वो है 550 रुपीज़ फॉर 1 आवर। और अगर आप कहीं पे भी घूमने आते हो, चाहे वो हिस्टोलॉजिकल प्लेस हो या कहीं, वहाँ पे अगर आपको आपका कैमरा या फोन्स लेके जाना है तो आपको उसके अलग चार्जेस भरने पड़ते हैं। मुझे पहले से पता है और पता रहना चाहिए हम लोगों को। विथ लॉकर, फिर बैग है अपना कुछ तो ये भी अलग से रखना, ये सब चीज़ें यार फुल इरिटेट करती है। स्नो वर्ल्ड में जाना अच्छा थी, जाने के अगर 2-3 घंटे की तो भी रहता, टिकट तो पूरा रहता है। 1 घंटे में जाना, इतना रश है वहाँ पे कि कोई मतलब नहीं आता। पैसे दो, अंदर जाओ और सिर्फ ऐसे ही भीड़ भाड़ में खड़े रहो और वापस आओ। तो वी आर लिविंग बैक फ्रॉम हियर नाउ। तो हम वहाँ नीचे थे और नीचे से आए हम यहाँ पे ऊपर। और वहाँ से हम चलते 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 इधर से नीचे, फिर नीचे से इधर से ऊपर होते हुए यहाँ पे आए हैं लॉन पे, और फुल अभी आराम करने वाले हैं। आज हम कितना पैदल चले पता है? 5.7 मतलब यहाँ तक पहुँचने तक 6 किलोमीटर, 6 से 7 किलोमीटर तो हम पैदल चले। तो इस बात का हमें एक पुरस्कार मिलना चाहिए ऐसे मुझे लगता है, और ऐसा होना चाहिए यार। एक्चुअली कोई वॉचेस में नहीं कि जो पैदल इतना चलता है तो उसको ये रिवॉर्ड मिलेगा। अपन गेम्स खेलते तो चिकन बिरयानी के लिए अपन कैसे मरते थे PUBG में, निकाली अरे चिकन डिनर राइट, मजा आ जाएंगे। फिर सब लोग चलने लगेंगे और ये जो पोल्यूशन, ये जो पेट्रोल, ये सब जो अपना प्रॉब्लम है, ये सब सॉल्व होने की चांसेस है। तो अभी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, बहुत हो गया होगा मेरा ज्ञान। कैसा होगा रे तेरा। तो भाई लोग, रोड क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, बट कैमरा चालू कर देता ना, गाड़ियां थोड़ी स्लो हो जाती। बाकी आज के दिन बहुत खास जा रहा भाई लोग। शाम तो हो गई है अपनी, और बोटिंग के लिए जाने की कोशिश है हमारी अभी। सो बोटिंग करने के लिए आए थे हम यहाँ पे, और यहाँ पे यार बैग रखना एंड ऑल दैट स्टफ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है अभी बैग रखना कहीं पे भी, क्योंकि यार बैग में सब अपना इंपॉर्टेंट सामान है। और वहाँ पे लिखा है कि आप आपका इंपॉर्टेंट जो चीज़ें है वो आप खुद कैरी करो। फिर बैग रखने का मतलब क्या बनता है मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा। तो बोटिंग तो मुझे यही बोलना है कि अगर आप कहीं नए जगह पर जा रहे हो तो डोंट वेस्ट योर टाइम एट वन रूम, यू कैन गो एंड एक्सप्लोर, देयर आर मेनी थिंग्स, सो प्लीज ट्राई टू एक्सप्लोर एवरीथिंग वेयर एवर यू। सो मिलते हैं जल्दी, पता नहीं कहाँ, बट इंग्लिश कैसी लगी पहले वो बताना। जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का, मिलेंगे जरूर, बाय, ठीक है।